चलिए गुड मॉर्निंग। तो कस के बोलो जी, एनर्जी नहीं है, फिर से बोलो। हाँ चलो थैंक यू। अब लगा कि तुम लोग सो के उठ गए हो, ब्रश कर लिए थे, चाय वाय पी लिए हो, ब्रश नहीं किया है लेकिन तब भी चमक रहा है। चलो शीतल को देखो बत्तीसी दिखा रही है। खैर जोक सपाट, कंटिन्यू करें। तो कल जो हम लोग होमवर्क लिए थे ना पहले, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो चलो वन बाय वन सब लोग तो शुरू करते हैं इधर से। मरियम, पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप इसका आंसर की हैं? क्रेडिट परचेज, कितना हम लोगों ने क्रेडिट परचेज किया था? 2800। और इसको इन लोगों ने गलती से रिकॉर्ड कहां कर दिया? सेल डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये बताइए कि आप इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या की थी होमवर्क में? वेरी गुड, गलत। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 5600। समझे? तो ये हुआ, यानी कि आप लोगों ने, अच्छा कितने लोगों का सही था? ये सही नहीं था। अच्छा समझा दें, कितने लोगों को समझाना है ये टॉपिक, समझा दें। अच्छा देखो, हम हमेशा से कहे हैं कि एक बार ना थोड़ा सा मेहनत करके लिख लिया करो। अच्छा क्या कर लो, लिख लो। तो शीतल एक बात बताओ, ये जो क्रेडिट परचेज हुआ था इसका एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर, है ना? भाई साहब ने इस एंटायर परचेज को कहां लिख दिया? सेल्स बुक में। आप समझ रहे हैं, यानी इन्होंने क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया, यानी इन्होंने एंट्री कर दिया वेंडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब तुम देख रहे हो कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया इन्होंने। भैया सेल्स बुक में आप रिकॉर्ड कर दिया, यानी खरीदारी को बिक्री बना दिया इन्होंने। अब सोचो तुम, पहले तो तुमको सही करना है, तो जिस सेल्स को तुम गलती से क्रेडिट किए उसको डेबिट करोगे एक पॉइंट, वेंडर जिसको तुम डेबिट कर दिए उसको क्या करोगे? क्रेडिट। लेकिन साथ में वेंडर एक्चुअल में क्रेडिट भी तो होना चाहिए ना, यानी वेंडर एक बार सही वाला क्रेडिट हो रहा है और एक बार रेक्टिफाई वाला हो रहा है, तो 2800 और 2800 मिलकर कितना हो गया? 5600, है ना? और परचेज जिसको तुम गलती से क्या कर दिए थे, नहीं सॉरी, परचेज जिसको डेबिट होना चाहिए वो भी तो डेबिट करोगे ना। तो देखो एक बार तो तुमको करेक्ट करना है परचेज अकाउंट डेबिट 2800, वेंडर जिसको तुम गलती से क्या कर दिए हो, डेबिट कर दिए उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। टू वेंडर 2800, और एक एक्चुअल वाला भी तो होगा ना। ये हो गया सही एंट्री 2800, और सेल्स जिसको तुम गलती से क्रेडिट किए थे इसको क्या 2800। अब मेरे भाई अकाउंट्स में वेंडर वेंडर दो बार लिखोगे नहीं ना, ऐसा किया जाता है, हम लोग इसको जोड़कर 5600 कर देंगे, है ना? और आप लोग इसको वन साइडेड एरर समझ लिए थे। हम आपको बार बार सिखाए एरर तक समझना जरूरी है कि एरर टू साइडेड है कि वन साइडेड है। खैर कोई बात, इंसान गलती से सीखता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप लोगों ने सही किया पक्का? चलिए तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा हाँ ये दब रहा है ना, ठीक है। हाँ अरे भाई सेल्स में भी गलत लिखा गया, परचेज में। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ठीक है चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। चलिए अब ये शीतल पे ट्रांसफर करते हैं। चलिए शीतल, ये क्वेश्चन आप पे ट्रांसफर किए भाई, बताइए। They are from
चलिए आप इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या की थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और बनाई ही नहीं। जा रहे हैं ठीक। हाँ बताइए कृष्ण आपकी क्या बनाए इसका? बनाई ही नहीं आप लोग। चलिए पहले क्वेश्चन समझिए। कहता है गुड्स ऑफ वैल्यू 2000 रिटर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता, ये बताइए इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? वेरी गुड, एंट्री होना चाहिए था सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता। कितना? 2000। ये होना चाहिए था करेक्ट एंट्री, लेकिन देखो इन लोगों ने क्या किया। वे आर एंटर्ड इन अ सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। देखो कितना ब्लंडर हुआ है। इन लोगों ने कहां रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स डे बुक में। यानी एंट्री ऐसा इन लोगों ने कर दिया, मिस्टर गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 2000। उसके बाद देखिए आगे देखिए, अभी गलती मतलब रुका नहीं है। कहते हैं पोस्टेड देयर फ्रॉम टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और इनके अकाउंट को कहां पोस्ट कर दिया है? क्रेडिट में। यानी एक्चुअल में ये एंट्री भी नहीं हुआ है। इस एरर में भी एक और एरर है। देखिए इन लोगों ने इस तरह से एंट्री कर दिया है, देखिए टू सेल्स अकाउंट 2000 टू मिस्टर गुप्ता। लीजिए देख रहे हैं आप, मिस्टेक पकड़ रहे हैं। यानी कि ये मिस्टेक में भी एक और मिस्टेक है। यानी एक्चुअली में इन लोगों ने क्या कर दिया? सेल्स को कर दिया क्रेडिट, अब मिस्टर गुप्ता को दिया क्रेडिट। अब मेरे भाई समझने वाली बात है कि भैया राइट एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता, होना चाहिए ना। तो दोस्त चलिए मिस्टर गुप्ता अपनी जगह क्या हो चुके हैं, सही है ना। लेकिन सर दिक्कत यह है कि जिस सेल्स को आप गलती से क्या कर दिए हो, डेबिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए हो, उसको डेबिट तो करना पड़ेगा ना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए सेल्स को यहां कर देते हैं डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना? 2000। चलिए सेल्स रिटर्न अपनी जगह वहीं से छोड़ देंगे। चलिए मिस्टर गुप्ता अपनी जगह सही है, लेकिन सर अभी भी 2000 का क्या दिख रहा है क्रेडिट में डिफरेंस, तो बैलेंस कर देंगे किससे? तो बना लिए। चलिए तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री हो जाएगा सेल्स अकाउंट, चलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको डेबिट करना था, फिर सेल्स अकाउंट। चलिए तो सस्पेंस। आगे बढ़े चल। अगले पॉइंट पे चलिए तीन नंबर पे आते हैं। इसका आप लोगों ने क्या किया? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बोले? वेरी गुड, चलिए देख लेते हैं। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, वेरी गुड। चलिए अच्छा लगा, ये एंट्री आप लोग का सही है। फोर नंबर पे क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री किए हो आप लोग? क्या 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 बोले? रेक्टिफिकेशन एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू या कस्टमर लिखे, है ना। चलिए ठीक है, सस्पेंस का कोई जरूरत पड़ा नहीं पड़ा। चलिए आइए पांचवा, पांचवा एंट्री क्या किए? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, किसने किसने किया? डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस, शीतल तुमने बनाई हो?
मेन तो वही था, क्वेश्चन तो रेक्टिफिकेशन का ही पढ़ रहे हैं, तो वही तो करना था मेन। चलो छह नंबर पे आओ। अच्छा कोई बात नहीं, जो बनाए हो हम लोग मिला लेंगे। बताओ छह का रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या किए हो? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू, अच्छा क्या बोली, व्हीकल, तो वही स्कूटर व्हीकल्स एक ही बात है, या मोटर जो भी बोल दीजिए, तो कन्वीनियंस। ठीक है, देखते हैं भैया इनका किनका सही है। व्हीकल टू कन्वीनियंस, वेरी गुड। या स्कूटर कहिए या व्हीकल कहिए, एक शाबाश, वेरी गुड। सात नंबर, फोन चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, तो वो तो चार्ज कर दिया, तो फिर क्या चार्ज कीजिएगा, क्यों चार्ज कीजिएगा, तो कह ही रहे ना फोन चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। हाँ, सेवन नंबर का, सोहन टू मोहन, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं, हमको लगता है ये आप बना लिए, हाँ इसमें कोई दिक्कत हुआ ही नहीं। चलिए आगे चलें, हम लोग अपना नया शुरू कर लें। क्या पढ़ना है आज? एरर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये सब, हाँ सॉरी फाइनल अकाउंट। ये दोस्त हमारा वीवीआई टॉपिक है, क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कितना टाइम हुआ है? ठीक, आ जाओ तो कंटिन्यू कर लें। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से पॉसिबिलिटी रहता है, आ जाओ ध्यान से समझना, एकदम दिमाग शांत कर लो, अब कुछ नहीं सोचना, अब जो बोलेंगे वो सुनना। चले देखो क्या कहता है, एरर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। क्या हुआ? एरर डिटेक्ट हुआ, वेरी गुड। कब डिटेक्ट हुआ? फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, यानी कि ट्रायल बैलेंस छोड़ दीजिए, ट्रायल बैलेंस सब बन गया, पीएल बनाते समय पता चला, या पीएल बनाने के बाद पता चला, समझ रहे, बैलेंस शीट बनाते समय पता चला, मतलब फाइनल अकाउंट बनने के बाद अब सब मिस्टेक हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि आप दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जा चुके हैं, क्योंकि जब फाइनल अकाउंट बनता है तब तक तो आप फाइनेंशियल ईयर पार कर चुके होते हैं ना, क्योंकि 31 मार्च को ईयर एंड होता है। कभी भी 31 मार्च को किसी के यहाँ बुक्स बना है, नहीं बना है, वो जब बनता है तब तक अप्रैल आ जाता है, और अप्रैल आ जाता है मतलब आप नए फाइनेंशियल ईयर में चले जाते हैं, और जब हम नए फाइनेंशियल ईयर में अगर पीछे का बात करते हैं तो उसको लास्ट फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, है ना। यानी इसी बात को अगर किसी ने ऐसे कहा कि एरर डिटेक्ट हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो यही पॉइंट कह रहा है, बात को समझ लीजिए, क्योंकि 31 मार्च तक तो दिन काउंट ही होता है ईयर के अंदर, तो भैया 31 मार्च तक के ट्रांजेक्शन का तो वेट करेंगे ही। यानी जब भी बनाते हैं तो बनाते बनाते तो भैया 12 क्रॉस कर जाता है, अब कौन ऑफिस में बैठा रहता है जी 12 बजे रात और 2 बजे रात में अकाउंट्स बनाने के लिए, बनेगा परसों बनेगा, 1 अप्रैल आ जाएगा, 2 अप्रैल आ जाएगा, 3 अप्रैल आ जाएगा, हो सकता है बड़ी कंपनी है तो बनते बनते अप्रैल का एंड आ जाए। तो एरर कब मिला? तो मिला अप्रैल में, अप्रैल से नया हो जे, इसका मतलब वो एरर कब का मिला? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में डिटेक्ट हुआ है ना। ठीक, आगे बढ़े तो देखो, इस सिचुएशन में प्रॉफिट और लॉस को एडजस्टमेंट करना होगा। पूछो क्यों? भैया मेरे, अगर तुमने ट्रांजेक्शन गलत लिखा है ना, आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्डिंग गलत किया, प्रीपेड का रिकॉर्डिंग गलत किया, रिवेन्यू को कैपिटल दिखा दिया, कैपिटल को रिवेन्यू दिखा दिया, इसका मतलब तुम प्रॉफिट गलत लाए, तो भैया जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आया उसको सही करने के लिए तुमको कहां एडजस्टमेंट करना होगा? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, पीएल को ही करना होगा, है ना। तो देखिए, इसीलिए हमने आपके समझने के लिए एकदम आसान लैंग्वेज में लिख दिया कि इस सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में रेक्टिफाई करना होगा, क्योंकि भैया मेरा प्रॉफिट ही पूरा उथल पुथल होके रह गया है, अब क्या करोगे लास्ट ईयर के लेजर को बदलकर?
लास्ट ईयर के जर्नल में रेक्टिफाई कर कर कोई मतलब ही नहीं बनता। अल्टीमेटली ये सब हुआ क्यों? प्रॉफिट को बनाने के लिए। तो भैया जब प्रॉफिट ही गलत आ चुका है तो क्यों ना प्रॉफिट को ही डायरेक्ट क्या कर दे, रेक्टिफाई कर दे, है ना? पॉइंट टू बी नोटेड। देखो तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एरर अफेक्टिंग नॉमिनल अकाउंट, है ना, रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ। हाँ, यानी दोस्त अभी तक तुम सस्पेंस सीखे, वन साइडेड टू साइडेड एरर, अब जो तुम रेक्टिफाई करोगे उसके लिए सस्पेंस वर्ड यूज नहीं होगा, तो कौन सा वर्ड यूज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तुम ये 11th में नहीं पढ़ते हो और ना तुम ये फाउंडेशन में पढ़ते हो, क्योंकि जरूरत होता ही नहीं। पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। क्यों? क्योंकि सिलेबस ही नहीं था तो क्यों पढ़ते? लॉजिकल सी बात है, 11th में ये सिलेबस का पार्ट उतना रहता ही नहीं, बस दिया रहता है बुक में लेकिन उतना पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि फिर वो फाइनल अकाउंट बच्चा पढ़ता थोड़े उस समय। आप सोचो ना, जब सर लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय हम पीएल पढ़े होते हैं? नहीं पढ़े होते, पीएल तो 11th के सबसे लास्ट में होता है, इसीलिए ये टॉपिक रह जाता है। अब पॉसिबल भी नहीं है 11th के बच्चे को इतना आप एकदम, जब उसको कुछ पता नहीं है और इतना लोड दे दे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो यहां से सबसे ज्यादा आपका इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट में क्वेश्चन दागता है, लेकिन हाँ ये मत समझिएगा कि सस्पेंस का क्वेश्चन नहीं आता है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वो थोड़ा कमांड में है क्योंकि आप पहले से अवेयर है। ये नया टॉपिक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, एरर कब मिला? फाइनल अकाउंट बनने के बाद। और ये रेक्टिफिकेशन होते होते, ये मिस्टेक पता चलते चलते हम नए साल में घुस चुके हैं। ओके, सिंपल सी उपाय, सबको बदलने से अच्छा है सीधे प्रॉफिट को बदल दो। अगर प्रॉफिट बढ़ गया है तुम्हारी गलती से, घटा दो, और अगर तुम घटा दिए हो बढ़ा दो। और तुम प्रॉफिट का कैरेक्टर जानते हो कि नॉमिनल कैरेक्टर का होता है? तुमको पता है, लेकिन हम तब भी हाईलाइट किए, लिखा हुआ है नॉमिनल। नॉमिनल का सिंपल है डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, क्रेडिट बढ़ेगा डेबिट में घटेगा। अगर हमको पीएल घटाने की जरूरत पड़ रही है हम उसको डेबिट कर देंगे, बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है हम क्रेडिट कर देंगे। सिंपल, इतना बात आपको याद रखना है। बोलो, बात समझ में आया? तो देखो, जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, जब भी पढ़ोगे तो क्वेश्चन का हमेशा इंट्रो पढ़ो, यानी स्टार्टिंग वाला पॉइंट पढ़ो। वहां ये आपको हिंट कर देगा, वो हिंट कर देगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, या ये कोई सोल प्रोप्राइटर है, इन लोगों ने एरर देखा, कब डिटेक्ट किया? तो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता चला। तुरंत दिमाग में क्लिक कर लेना कि भैया अब सस्पेंस की जरूरत नहीं होगी, अब एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। डन, बढ़े आगे। चलिए, और सस्पेंस की जरूरत कब पड़ेगी? जब क्वेश्चन में ये कह दे कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए ना। देखिए, अब छोटा छोटा केस आपके लिए क्रिएट कर दिए ताकि हम आपको समझा सके, ठीक है? सुनते जाइए, पहले आप क्वेश्चन से समझिए। क्या कहता है? इन नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग मिस्टेक्स वेयर डिस्कवर्ड। तुरंत क्वेश्चन में ये लिखा होगा। अब आप दिमाग में सोचना, भी सर बताए थे नेक्स्ट ईयर में डिस्कवर हुआ, इसका मतलब फाइनल अकाउंट लास्ट ईयर का था। वेरी गुड, फाइनल अकाउंट बन चुका है, यानी प्रॉफिट ये लोग निकाल चुका है। अब गलत निकाला, सही निकाला, क्या निकाला, मतलब नहीं है कि जब मिस्टेक एरर हुआ है तो प्रॉफिट तो गलत है ही। अब प्रॉफिट बढ़ गया कि घट गया, वो सवाल को पढ़ने के बाद डिसाइड। तो पहला केस पढ़िए, मैंने क्या लिखा था। सेल्स बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100 rupees, ठीक है ना? चलिए देखिए, अब क्या कीजिएगा, अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट भिड़ाइए, 11th क्लास वाला, और ऐसे सोचिएगा। पहले देखिए मेरी तरफ ध्यान से, सर बताए थे कि 11th में जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ते थे तो सेल्स को हमेशा क्रेडिट साइड लिखा जाता है। हाँ, हम आपके लिए लिखे भी हैं, आपके दिमाग में फ्रेम करना चाह रहे हैं चीजों को, पकड़ने का तरीका। अगर हम क्रेडिट साइड 100 rupees कम लिख दिए, अंडरकास्ट का मतलब कम, जब मैंने क्रेडिट साइड में कम लिखा तो क्रेडिट
इनकम को डिनोट करता है और डेबिट एक्सपेंस को डिनोट करता है। तो अगर हम इनकम कम कर दिए तो इसका मतलब मुनाफा मेरा घट गया, है ना। तो देखो इस एरर का इंपैक्ट क्या पड़ा, ये 100 रुपया कम लिखने से, है ना। तुम 100 रुपये यहां कम लिखे ना, यानी मान लो कि था 1100 और तुम लिखे सिर्फ 1000, तो 100 रुपये कम लिखे, तो सेल्स में 100 रुपये कम लिखने का ये इंपैक्ट पड़ा कि प्रॉफिट भी 100 रुपये से क्या हो गया, कम गया। तुम एक्सपेंस को बढ़ा दिया, 100 रुपये प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, है ना। एरो को चेंज कर देते हैं गलती से, हाँ। तो प्रॉफिट हमने क्या कर लिया, प्रॉफिट को 100 रुपये से डिक्रीज कर बैठे। अच्छा, सिंपल तरीका, हमारे इस गलती का इंपैक्ट क्या पड़ा, दिमाग में सोचेंगे प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है, यानी जो भी मुनाफा आया है वो 100 रुपये से कम आया है। तो भैया हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लो अगर इस क्वेश्चन में हम तुमको डायरेक्ट प्रॉफिट ही बता दिए होते कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख था, तो तुम बढ़ा लेते ना, 1 लाख 100 रुपये कर लेते, लेकिन हम तो तुमको भी बताए नहीं है क्वेश्चन में, तो तुम क्या करोगे, पीएल को क्रेडिट करोगे। अब पीएल को क्रेडिट करने का एक ही तरीका है, अभी जस्ट बताए थे पीएल वर्ड मत यूज करना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो भैया ये लोग जिनको प्रॉफिट अपने धंधे का पता है, अगर इनको पता है कि 1 लाख का प्रॉफिट था तो अब 1 लाख 100 रुपये लिख देंगे, लेकिन हमको तो आपने प्रॉफिट नहीं बताया, तो हमने प्रॉफिट के साथ कुछ नहीं किया, डायरेक्ट एज अ अकाउंटेंट हमने बता दिया कि भैया देखिए आपके प्रॉफिट में 100 रुपये कम है, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। वो लोग अपना 100 रुपये बढ़ा लेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट थोड़े ना बता रहा है। आगे बढ़े तो देखिए, हमेशा ये देख समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके गलती से हुआ क्या, क्या ब्लंडर हो गया, क्या मिस्टेक हो गया, उस मिस्टेक को समझना है और उस पर वर्कआउट करना है। आगे बढ़े, चलिए पहले मैं छोटा छोटा केस फ्रेम कर देते हैं, और एक बार ऐसे मेंटल आप सोचने लायक हो जाइएगा ना, धड़ाधड़ बनेगा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन, परचेज बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज इंस्टीड ऑफ, अब इसका हिंदी निकालते हैं भैया, 450 की जगह हम 250 लिख दिए, ठीक है, एक गलती तो किए, गलती क्या किए, जहां अमाउंट लिखाना था 450 वहां हमने अमाउंट लिखा 250। आइए अब हम परचेज का कैरेक्टर समझते हैं, परचेज का कैरेक्टर क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। देखिए अब सोचिए मेरे भाई, एग्जाम में ऐसे हौचपच नहीं करना है, ये बस सिखाने के लिए, आपको मेंटल स्ट्रॉन्ग मतलब समझने के लायक बनाने के लिए। अब फिगर क्रिएट करते हैं माइंड में, हमको पता है 11th में हम लोग पढ़े हैं कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में परचेज हमेशा डेबिट में जाता है, और नॉमिनल में डेबिट का कैरेक्टर ही होता है कि वो खर्चा है, वो एक्सपेंस है, यानी हमको लिखना चाहिए था 450 और मैंने लिख दिया 250। मेरे भाई अगर हम 250 लिखे, इसका मतलब हम कितना कम लिखे, 200 कम लिखे। अब तुम यही बताओ, हमारे 200 कम लिखने से, लेस लिखने से क्या प्रभाव पड़ा, प्रॉफिट बढ़ा। अच्छा कैसे बढ़ा, अब उस बच्चे को सोचना चाहिए कि परचेस का कैरेक्टर है एक्सपेंस का, डेबिट का कैरेक्टर है ना। भैया मेरे, अगर तुम खर्चा को 200 से घटा देते हो, इसका मतलब तुम मुनाफा को बढ़ा दिए, इसका मतलब जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आया है वो 200 ज्यादा आया है, है ना। शांति से सोचो, है ना शीतल, फिर से समझते हैं, हमको खर्च को लिखना था 450, है ना, डेबिट साइड में, मैंने लिख दिया 250, मतलब क्या निकला, मैथमेटिकल लॉजिक तो यही निकला ना कि मैंने 200 कम खर्च दिखाया, और अगर हम खर्च जब कम दिखाते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा दिखता है। अब प्रॉफिट जब ज्यादा दिखा है, इसका मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट 200 एक्स्ट्रा है, तो भैया एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कम करना होगा, कम करने के लिए
पीएल एडजस्टमेंट का यूज करना होगा, है ना। तो एंट्री क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 200, है ना। तो हमको तो सिर्फ एंट्री ही सीखना है, ये सिर्फ आपको फ्रेम करने के लिए इस तरह से रेफर जाओ, तो फिर हर चीज को आप पकड़ लोगे, हर सिचुएशन को समझ। बनाना भी होगा, हाँ उस समय फिर गलत होगा तो हम थूर देंगे भाई। हाँ अच्छा कृष्णा, हमने बेचा कितने का और रिकॉर्ड कितना कर दिया, ठीक है। एक चीज तो पता चला कि मैंने 3600 रुपया सेल्स में ज्यादा लिख दिया, पक्का ठीक है। सेल्स का करेक्टर क्या होता है, क्रेडिट होता है, वेरी गुड। यानी हमारे इस गलत कुछ ये इंपैक्ट पड़ा कि मुझे लिखना था 400 लेकिन मैंने लिख दिया 4000, तो मैंने 3600 ज्यादा क्रेडिट साइड लिख दिया, है ना भैया मेरे। जब हम 3600 क्रेडिट साइड ज्यादा लिख दिए, इसका मतलब मैंने मुनाफा को भी, मैंने प्रॉफिट को भी 3600 से भगा दिया। कैसे, मैंने इनकम में 3600 ज्यादा लिखा। अब इनकम ज्यादा लिखेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, है ना। चलिए कोई दिक्कत, तो अब समझिए जरा, आप जैसे ही 3600 ज्यादा प्रेजेंट कर देंगे तो प्रॉफिट बढ़ गया। भैया मेरे हम ऐसा क्या करें कि वो सही हो जाए, प्रॉफिट को घटाना होगा, यानी घटाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। हमको लग रहा था कि सस्पेंस बोलोगे, तुम लोग नोटिस नहीं किए, हम यहां पर डेटर का जिक्र किए लेकिन कुछ आपसे डिस्कस नहीं किए कि शायद आप पकड़ लोगे। दोस्त सिर्फ पीएल में ही ब्लंडर नहीं ना किए, हम अगर सेल्स बुक में गलत लिखे तो हम अपने डेटर को भी तो बढ़ा दिए थे, यानी सिर्फ पीएल ही नहीं बिगाड़ के रखे हैं, बैलेंस शीट भी बिगाड़ दिए। पहले वाले जो दो क्वेश्चंस था उसमें सिर्फ पीएल पर इंपैक्ट पड़ रहा था। मैंने आपको कहा था, मैंने आपको ऐसा कहा कि सेल्स बुक में ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था, नहीं, यानी आप क्वेश्चन का कंपैरिजन नहीं पकड़ते हैं। मैंने बस आपको क्या कहा, परचेज बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड, ज्यादा फॉरवर्ड किया गया, लिखा गया है सही, अमाउंट ले जाया गया है गलत। मैंने हमने आपको ये कहा कि परचेज बुक में 450 लिख दिया गया, बोला था। यही सब तो नहीं पकड़ते हैं आप लोग, बस सुन लेते हैं। हो यहां भी मैंने क्या कहा, अंडरकास्ट टोटल गलत किया है, है ना, बाकी फिगर सही है, टोटल गलत है। मैंने ये नहीं कहा कि सेल्स बुक के अंदर का ट्रांजेक्शन गलत है, टोटल गलत है, यानी कि जो डेटर है वो सही है। यार यार कैसा डॉक्टर बनेगा रे, अकाउंट्स का डॉक्टर बन रहा है ना, अच्छे से बीमारी को समझो, नब्ज को ठीक से बीपी उपी देखो, ऐसे ऊपरे झापड़ देखेगा। आगे चले, है ना, फिर से समझो, आ जाओ। हम ऐसे थोड़े कह रहे हैं आपको वीवीआई टॉपिक है, अच्छा अच्छा आदमी जो ऊपर झापड़ अकाउंट्स को समझता है वो ब्लंडर कर देता है, तो तुम कौन खेत का मूली है। फिर से समझाएं, सुनो क्वेश्चन क्या हुआ, सिचुएशन पकड़ना है। सेल्स टू एक्स, मैंने बेचा 400 का, 4000। दोस्त सिर्फ ओवरकास्ट नहीं हुआ है, समझिए अंदर ही अमाउंट गलत लिख दिया गया है, अंदर अमाउंट गलत लिख दिया गया सेल्स बुक में, मतलब तुमने डेटर को भी ज्यादा दिखा दिया, और डेटर ज्यादा दिखा दिया तो बैलेंस शीट में भी उथल पुथल हो गया है ना। पॉइंट को समझो, बैलेंस शीट में भी मिस्टेक, अब पीएल में भी मिस्टेक, तो डेटर को भी तो सुधारना होगा। डेटर भैया को तुम बढ़ा दिए हो, कितने से, तो डेटर भैया को वापस क्या करो, घटाएंगे टंगड़ी पकड़ के। डेटर भैया का कैरेक्टर होता है डेबिट वाला, इनको पीछे करना होगा तो क्रेडिट मारना होगा, डन। आगे चले,
टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज। अच्छा से सुनना, क्वेश्चन बहुत अलग है, हर क्वेश्चन अपने आप में अलग लिखे हैं। टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज कॉमा कितना था, रुपीज 4,539 वॉज कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज 93। सोचो क्या हुआ, सोचो। हाँ सर, हमसे बस टोटलिंग में कोई मिस्टेक नहीं हुआ, बस मिस्टेक हुआ इस फिगर को ले जाने में। इसका मतलब सर प्रॉफिट में हम बढ़ा कर अमाउंट दिखा दिए पीएल के डेबिट कॉलम में। तो भैया मेरे, जब हम डेबिट कॉलम में ज्यादा, जैसे देखो, हाँ देखो ना, सिंपल देखो, बढ़ेगा खर्चा, बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा। देखो देखो, ऐसे समझो ना, ये प्रॉफिट लॉस होता है ना, वेरी गुड। परचेस का वैल्यू क्या जाना चाहिए था, 4,539, लेकिन तुम कितना लिख दिए, टू परचेज में लिख दिए 4,593। कितना ज्यादा डेबिट बढ़ा दिए, 54 रुपया मैंने ज्यादा लिख दिया एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड, खर्चा वाला साइड। इसका मतलब प्रॉफिट घट गया, तो वापस प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। अब प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए पीएल को क्या करना होगा, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड, बात समझ में आया, कोई दिक्कत? आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहां भी तुमको पकड़ना पड़ रहा है कि इस मिस्टेक का इंपैक्ट बैलेंस शीट पर भी गया है क्या। अगर बैलेंस शीट पर भी जा रहा है तो एसेट्स और लाइबिलिटी को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, और अगर नहीं जा रहा है तो बस पीएल को ठीक करना पड़ रहा है। नोटिस कर रहे हो, देखना पड़ रहा है कि मिस्टेक का इफेक्ट कहां तक गया है। अगर सिर्फ पीएल पे गया है तो पीएल को सुधार रहे हैं, है ना, अगर बढ़ गया है तो घटा रहे हैं, घट गया है तो। लेकिन अगर उस गलती का प्रभाव बैलेंस शीट पर भी पड़ गया है डेटर वाला मैटर में, उसको ठीक, है ना, पक्का। एक और हो जाए, तुम लोग के लिए खोज कितना मेहनत करना पड़ता है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब तुम देखो, हमने सेल्स कितने का किया और सेल्स बुक में कितना लिख दिया और कस्टमर अकाउंट में भी पोस्ट कर दिया। हमको लग रहा है इसका इंपैक्ट दो जगह पड़ा है, तुमने अपने डेटर में भी चेंज कर दिया और पीएल में तो खैर इसका इंपैक्ट गया ही, तो क्या सस्पेंस का जरूरत पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा, तो क्या होगा इसका एंट्री, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, पक्का पक्का ना। ये धुन में भाई मेरे, तुम कस्टमर को ऐसे भी घटा रहे हो तो भैया क्रेडिट पे कुछ तो होना चाहिए ना। और पता है ये मिस्टेक क्यों हुआ, क्योंकि तुम उसको अगर लिखते ना तो तुरंत तुमको अपना गलती दिख जाता, तुम लिखे ही नहीं धुन। अब मिस्टेक समझ में आया, चलो आओ हम समझा के बताते हैं। चितल तुमको नहीं पल्ले पड़ा, हाँ पता नहीं तुम कहां खोए गए, दिल नहीं ना टूटा है, काहे तू चार दिन से ऐसी कर रही हो, दिल टूटता है तो ऐसी लड़की को जाती है। सुनो शांति से मेरी बात समझो। अच्छा पता है कृष्णा, टेक्निकली मिस्टेक हो गया अलग चीज है, सोचा सही था, पर धुन में इसको बैठाया डेबिट में तो कस्टमर को पकड़ के कर दिया क्रेडिट में। देखो हुआ क्या, अच्छे से सुनना, सेल्स में होना कितना चाहिए था, लेकिन एक आम आदमी के जैसा
लेकिन हमने कितना लिखना? अच्छा, सबसे पहले फर्क निकाल, 180 का है ना, बहुत सुंदर। अच्छा अब ना शांति से सुनो मेरी बात को, तुमने क्रेडिट साइड 180 रुपया ज्यादा दिखा दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना है। देखो कैसे, अगर डाउट है तो सोच के देखो, पीएल में सेल्स का फिगर जाना चाहिए था 573, लेकिन तुमने पीएल के क्रेडिट में सेल्स का फिगर कितना शो किया, 753। और तुम जानते हो ना कि सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड शो होता है। इसका यह मतलब निकला, पहला मतलब यह निकला कि तुमने मुनाफा को, प्रॉफिट को 180% से बढ़ा दिया। पहला पॉइंट, क्या करेंगे, घटा देंगे। जब पीएल को घटाना होता है तो उसको डेबिट करना होता है, लेकिन हम डायरेक्ट अब पीएल को नहीं बदल सकते क्योंकि ये पीएल पिछले साल का है। एडजस्टमेंट पक्का? चलो तो एक चीज तो तुम पकड़ लिए कि तुमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को 180% से क्या करना था, डन। एक मिस्टेक पकड़ लिए। अगला पॉइंट में देखो, साथ में ब्लंडर ये हुआ कि हम कस्टमर भाई साहब में क्रेडिट कर दिए, यानी ये मतलब हुआ कि हमने उनमें 180 रुपया वहां और एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया है, यानी मेरा डेटर बढ़ गया। पक्का? डेटर बढ़ गया कितना से? 80 से। क्या करना होगा? घटाना होगा, है ना। और कुछ सोच लो, और कुछ सोच लो। लिए चलें, देखो अब एंट्री होना क्या चाहिए था, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और इन्होंने क्या कर दिया, सेल्स टू कस्टमर ना, हाँ, टू सेल्स टू कस्टमर, कस्टमर को क्या कर दिया, जबकि कस्टमर को होना क्या था, डेबिट। एक चीज नोटिस कर रहे हो, कस्टमर में दो तरह का इंपैक्ट पड़ गया है। पहला तो 573 रुपया तुम क्रेडिट कर ही दिए, और साथ में 180 रुपया और गलती कर दिए। दोनों को सुधारना होगा ना, यानी तुमने अपने डेटर को घटा दिया। कितना से घटा दिया, है ना? नहीं दोस्त, अब फिर नहीं पकड़े तुम, 180 से ही कहा, 573 तो कम किए ही किए, उल्टा 180 और कम कर दिए। इसका मतलब तुम 753 से कम। रिलैक्स होके जब तक नहीं समझोगे बात नहीं समझ में आएगा, है ना। देखो एंट्री यही होना चाहिए था ना, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन इन्होंने कस्टमर को डेबिट ना करके क्या कर दिया, सेल्स। अपनी जगह सही है, लेकिन सेल्स में भी दिक्कत है कि 180 रुपए यहां भी ज्यादा है। चलो ठीक है, 180 रुपए प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ा, हम ठीक कर लेंगे। भैया तुम अपने डेटर को घटा बैठे, बढ़ाना तो दूर, ठीक है, 573 से बढ़ाए तो नहीं, उल्टा 753 से घटा दिए। तो जो घटाए हो उसको भी ठीक करना होगा, और जो बढ़ाना था वो भी तो बढ़ाना होगा। अगर तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि तुम इसको क्रेडिट से डेबिट कर दोगे तो सही हो जाएगा, सिर्फ न्यूट्रल होगा। समझ रहे हो, जो होना चाहिए वो भी तो करना होगा, यही पर मात खा गए तुम सोचने में। तो देखो अब इस एरर के कारण सेल्स 180 से बढ़ा, मतलब तुम प्रॉफिट भी बढ़ा दिए, है ना। इस एरर का इंपैक्ट कहां पड़ा, कैसे बैलेंस शीट पे पड़ा, क्योंकि तुम डेटर को डिक्रीज हो गया ना। चलो तो डेटर को देखो पहले ठीक किए कैसे, सुनो ऑनलाइन में तो स्पेशली थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो रिलैक्स होके सुनना। 573 था ना, 573 से हमको डेबिट भी करना है अपने कस्टमर को, और साथ में जो गलती से 573 रुपया से क्रेडिट किए थे उसको कैंसिल किए। अगर कोई बच्चा सिर्फ उसको कैंसिल करके छोड़ देगा ना, तो वो तो तुम सिर्फ न्यूट्रल किए, प्लस माइनस माइनस हुआ, कैंसिल हुआ, इंपैक्ट छूट जाता।
इसका जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो तीन ही एंट्री दिया रहता है, वो तीन एंट्री काफी होता है नॉलेज देखने के लिए, ज्यादा पढ़ा नहीं आता। स्कैनर देखिएगा, तीन तीन एंट्री बहुत होता है। अब सोचिए ना, दो मिनट अकबक होके कोई एंट्री कर दे तो एग्जाम में ब्लंडर करके आ जाए। क्लियर हुआ? रिलैक्स है ना। तो देखो, एग्जाम में जो भी वर्किंग नोट सबके नहीं, सब हचपच नहीं किया जाता है, ये ना आपको एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, बातों को समझने का एक प्लेटफॉर्म का तरीका है। होना चाहिए था ये, मैंने एंट्री कर दिया ये, अब इसका इंपैक्ट पकड़ना शुरू किए। क्या क्या इंपैक्ट हुआ? एक तो हम सेल्स को 180 से बढ़ा दिए, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। एक गलती मिला, अब प्रॉफिट बढ़ गया तो उसे घटाना होगा, एक काम। और क्या दिखा भैया? लो, कस्टमर को डेबिट करना था, डेबिट तो दूर की बात है, हम उल्टा क्रेडिट कर दिए, और क्रेडिट भी ज्यादा से कर दिए। अब यहां दो चीजें करनी है, एक तो अब इसका इंपैक्ट ये भी तो पड़ा ना दोस्त, कि तुम अपने डेटर को भी तो कम कर दिए ना, है डेटर को कम कर दिए। एक तो डेटर को बढ़ाना था, बढ़ाए भी नहीं, उल्टा घटा दिए। सोचो, डेटर को बढ़ाना था 573 रुपए से, बढ़ाए भी नहीं, उल्टा 753 रुपए से घटा दिए। अब देखो, दो काम करना होगा, जो घटाए पहले न्यूट्रल पे लाए, और बढ़ाना था फिर वो बढ़ाए। इसीलिए हम दो एंट्री किए, समझे? कस्टमर को एक बार जो गलती से क्रेडिट किए थे वो डेबिट किए 753 रुपया, और जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट कर दिए। अपील तो तुम समझ ही गए थे, अब ऑटोमेटिक तुमको दिखने लगेगा क्रेडिट कॉलम खाली है, भैया बैसाखी फर्स्ट प्राइस। जो कस्टमर, हाँ एकदम एकदम मेरे भाई, एकदम कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अब लड़का थोड़ा सा चालू हो रहा है, अब स्टार्ट हुआ है, समझे? इसीलिए चला जाए। यही सब छोटा छोटा चीज अगर आप शुरू से अच्छे से पढ़े ना, तो इतना टाइम नहीं जाएगा टीचर्स का। हाँ नहीं, फैक्ट है। आप ना एक बार खुद को टीचर की नजर पे रख के देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है, नतीजे है आपसे मोह माया, एक मेंटल अटैचमेंट होने के कारण आपका पुराना चीज को टीचर सही करने लगते हैं। सही करने के चक्कर में टाइम लिमिटेड है, उसी में टाइम लैप्स करता है, समझे? और बाहर वाले टीचर्स, ये तो पढ़ी है पेन ड्राइव से, इनसे पूछिएगा, वहीं से चालू करेंगे जितना उनका काम है। भैया 200 क्लास में उनको पुराना है तो खत्म करके रख देंगे, क्यों? उनको पता है, फिर बच्चा टीचर पे क्वेश्चन खड़ा करना शुरू कर देता है, इसीलिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी गलती रहती है सर। सोचो ये टॉपिक कब का निकल जाता, क्योंकि एग्जाम में यही पार्ट सबसे ज्यादा आता है, हम आपको ये पढ़ा के निकाल देते, लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर लाते तो देखिए क्या होता, जब इतना बताने के बाद प्रॉब्लम आ रहा है तब तो कितना होता। कहीं ना कहीं मिस्टेक है आपका, बीइंग अ स्टूडेंट, गलती पॉइंट पे आप हैं। खैर चलिए आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिटर्न टू क्रेडिटर कितना? 510। अच्छा, अगर हम क्रेडिटर को रिटर्न करते हैं तो एंट्री क्या होता है? हाँ, रिटर्न एंट्री करो, परचेज रिटर्न है, इसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है? कस्टम, हाँ, वेंडर अकाउंट है टू, पक्का को डाउट तो नहीं है इसमें? देखिए आगे क्या कहता है, वॉज इंटर इन रिटर्न इनवर्ड बुक, यानी परचेज रिटर्न की जगह कहां लिख दिया, दिख रहे हो? जहां एंट्री होना था वहां एंट्री किया नहीं, अजय नहीं एंट्री करना था वहां एंट्री कर दिया है। सुनते जाओ, हाउ एवर क्रेडिटर अकाउंट वॉज रॉन्गली पोस्टेड। अब देखो एक और गलती, क्रेडिटर अकाउंट में क्या कर लिया, अच्छा सॉरी, करेक्टली पोस्टेड, रॉन्गली नहीं, करेक्टली पोस्टेड। अच्छा अब इसका इफेक्ट समझिए शांति से। आपको याद है परचेज रिटर्न परचेज से घटता है, और सेल्स रिटर्न सेल्स से घटता है ना, ये याद होगा आपको। हम सेल्स से लेस कर लेते हैं सेल्स रिटर्न, और परचेज से
शीतल परचेज से लेस कर लेते हैं, परचेज रिटर्न ये पता है ना आपको। अब सोचिए ये जो 510 रुपया जो आपका परचेज रिटर्न था वो आना चाहिए था यहाँ, और आप उसको कहाँ पहुंचा दिए, सेल्स रिटर्न में। तो देखिए आपने क्या किया होगा, आप जैसे 510 रुपया सेल्स रिटर्न में लिख दिए होंगे तो इस सेल्स रिटर्न के कारण आपका सेल्स का वैल्यू घट गया होगा। एक एग्जांपल लो ना, अगर मान लो यहाँ 1,00,000 रुपया सेल्स में लिखा हुआ है तो तुम 510 रुपया उसी से ना घटा दिए होगे। इसका यह मतलब हुआ कि तुमने क्रेडिट कॉलम को यानी इनकम कॉलम को, तैसे उठो इनकम कॉलम को 510 से क्या कर दिया, वेरी गुड। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इनकम साइड कम कर दिया तो प्रॉफिट पक्का। चलो एक इंपैक्ट है ना, देखो ठंडे दिमाग से सोचोगे तो बात समझ में आ रहा है ना। आ जाओ अब देखो जरा इसको। तो सर ये बताइए कि करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था। करेक्ट एंट्री होता मेरा वेंडर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, या फिर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर को करेक्टली पोस्ट किया, मतलब वो अपनी जगह सही है, डेबिट है। अब ये अमाउंट कहां चला गया, सेल्स रिटर्न। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि बैलेंस शीट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन इसका इफेक्ट कहां चला गया, इस एरर का इंपैक्ट पीएल पे पड़ा दोस्त, लेकिन बैलेंस शीट पर नहीं पड़ा। तो आप ही बताओ पीएल बढ़ गया कि घट गया, घट गया कैसे, क्योंकि जब मैंने सेल्स रिटर्न को क्रेडिट साइड सेल्स से घटा दिया तो मेरा क्रेडिट का वैल्यू कम हो गया, इनकम कम हो गया। इनकम कम होने का मतलब है कि प्रॉफिट घट जाता है। अब जो आदमी इनकम और प्रॉफिट को सेम समझते हैं उनका कुछ नहीं किया जा सकता है, कुछ उपाय नहीं है उसका। आगे बढ़े, तो एंट्री क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, है ना पक्का। अभी भी तुम नहीं पकड़े अमाउंट, पूछो क्यों दोस्त। अगर तुम सिर्फ 510 लिखोगे तो देखो क्या होगा, तुम पकड़ ही नहीं पा रहे हो। 510 रुपये को प्रॉफिट तुम्हारा टोटल कितना से प्रभावित हुआ है सुनो, तुम लोग एकदम बकलोल होते। 510 तुम्हारा कहां जाना चाहिए था, एक्सपेंस में, तुम उसको कहां कम कर दिए, इनकम। एक तो तुम इनकम को कम किए ही, साथ में तुमको अपने एक्सपेंस को भी कम करना था ना, परचेज में इसको जाना था। तो परचेज वाला इंपैक्ट देखो जनरली क्या होगा, पैनिक होकर, या अगर इसको मैथमेटिकल इंपैक्ट को नहीं समझ पाएगा ना तो सीधे 510 का इफेक्ट डालेगा। दोस्त 500 इफेक्ट हटाने से तो न्यूट्रल हो रहा है फिगर, फिगर न्यूट्रल हो रहा है ना। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो तुम लोग समझ नहीं पाया लिखें, देखो अब ना अलग तरीके से तुमको बताते हैं। सेल्स रिटर्न का कैरेक्टर कैसा होता है, डेबिट होता है ना। आप परचेज रिटर्न का कैरेक्टर, चलो तो परचेज रिटर्न कहां आना चाहिए था, पक्का 510। तुम सेल्स रिटर्न बना दिए कितना, 510। मेरे भाई तुम अगर सिर्फ इसी को कैंसिल करोगे तब यही फिगर ना हट रहा है, तुमको डालना होगा। अब आओ प्रैक्टिकल सोचो, ठीक है, स्पेशली जो बच्चे ऑनलाइन में है ना वो सुनिएगा, यहाँ अच्छा अच्छा बच्चा गलती कर देगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, फिर से समझिए, ठीक है, हम उसको एकदम प्रैक्टिकल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 510 तो आप पकड़ लिए थे, लेकिन वो एक्चुअली 510 नहीं था, 1020 था क्या शीतल, नहीं ना समझ में आया था। देखो कोई बात नहीं दोस्त, पढ़ो ऐसा ना, एक ही चैप्टर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। 510 इसका कैरेक्टर कैसा होता है, डेबिट होता है, चलो सॉरी डेबिट होता है, कर दे डेबिट, ठीक है। और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, गुड। तो
तुमने पीएल बनाया, लास्ट ईयर के पीएल की बात कर रहे हैं, गुड। तुमने क्या लिख दिया था, क्या लिख दिया था, क्वेश्चन देखोगे? लो देखो, है ना, सेल्स रिटर्न कर दिए थे ना। चलो, सेल्स रिटर्न का कैसा करेक्टर है? टू सेल्स रिटर्न 510, लेकिन होना क्या चाहिए था? बाय परचेज रिटर्न 510, ये होना चाहिए था, है ना, चाहिए था, और ये हो गया। अच्छा सोचो दोस्त, ये जिसको तुम गलती से डेबिट किए हो, इसको वापस, तो जो तुम गलती की उसको हम सही करते हैं, और जो होना चाहिए था वो भी करेंगे। तो अब तुम देखो, एक्चुअली में परचेज रिटर्न का इंपैक्ट क्रेडिट का है, और सेल्स रिटर्न जिसको तुम गलती से डेबिट कर दिए थे उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो एग्जैक्ट पीएल पर टोटल प्रभाव कितने का पड़ा? 1120। वो छोटा बात है ना, वो तुम है ना। अच्छा सॉरी, 1120 कैसे होगा? 500 500, 1000, 10 10 20 रुपया, क्या यार। अच्छा 1020 रुपया, खैर कोई बात नहीं। तो आप एक चीज देखिए, देखो ये गलती एक्चुअली नहीं, इसको कहेंगे कि आपको आ नहीं रहा, ये ना मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन था कि हम लोग सिर्फ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट को देखे, लेकिन जो इम्पैक्ट पढ़ना था वो वाला पार्ट दिमाग से स्किप। ये अब इसका सही एंट्री क्या हुआ दोस्त? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1000। पक्का? अब दोस्त हम बहुत बोल दिए, अब तुम्हारी बारी, हमसे बहुत बुलवा लिए, अब तुम्हारी बारी, ठीक है? क्योंकि एक साइडेड नहीं ना होता, एक ही आदमी बोलता रहेगा, अब कोई दूसरा भी तो बोलेगा भाई। देखो, एक अकाउंटेंट है जिन्होंने अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया, और लास्ट में कहानी देख लो, आपको हिंट भी कर दिया एडजस्टमेंट, मतलब आप समझ जाओ कि ये मिस्टेक सब फाइनल अकाउंट बनने के बाद हुआ है। तो मेरे भाई, अब आप थोड़ा आप लगिए, ट्राई कीजिए, फिर हम बताएंगे, एक बार बनाने की कोशिश कीजिए अपना बेस्ट देकर। ओके चलिए।